देखो बच्चों, आपने 12.1 एक्सरसाइज की होगी, घर से ट्राई तो की होगी, निकले क्वेश्चन, डाउट भी आए होंगे, ठीक है। ऐसा है, एलिमेंट्स के नोट्स भी हैं हमारे पास एक्सरसाइज के, सॉल्यूशंस के, ठीक है। और ही लाना पड़ेगा ये। अब तो आ गई, बार बार देखना पड़ेगा आपको। यहाँ से वहां से दिखाई देती है ये ब्लू डॉट? नहीं दिखता मुझे, बार बार देखना पड़ेगा, फिर याद दिलवाते रहना भाई, सर एक बार चेक कर लो, क्योंकि लास्ट वाले में कई बच्चों की कॉल आई थी, काफ़ी देर की मिस थी आवाज़, कम से कम 40 मिनट की। अब रेड हो गया। रात को ये चार्जिंग पे तो लगा गया था, बटन ऑन नहीं किया था शायद, जहाँ तक मुझे याद है।
और ये रह गई। चलो बीच बीच में देखते रहेंगे। ये हो गया ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट को फिक्स पॉइंट से जोड़ने वाला, ओ से जोड़ने वाला, ठीक है। ये हो गया। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ओ बी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज ओ बी, बी वेक्टर। यहां तक क्लियर है किसी बच्चे को डाउट? अब देखना, ए बी की बात करता हूं। ए बी एक वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रायंगल लो लगाना जरा इसके अंदर, इन ए ओ बी में ट्रायंगल लो, इन क्या लगाओगे, कैसे लगेगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। किसी को डाउट? बोलिए भाई, किसी को डाउट? ए बी वेक्टर निकालना है तो ओ बी माइनस उधर क्या हो जाएगा, ओ ए। इसमें किसी को डाउट, किसी बच्चे को? ठीक है, एक तरह से आपका ए बी वेक्टर क्या आ गया, पोजीशन, हाँ इसको एक बार यूं लिख दो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि बी का पोजीशन वेक्टर बी है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है। तो यानी ए बी वेक्टर को मैं फाइनली ये बात बोल सकता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, जो बाद में लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ है, कौन, बी बी ओ बी का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए। किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर दे रखा है, अगर उसका पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई पोजीशन वेक्टर है जिसका नाम है एम एन, सॉरी एक वेक्टर है एम एन, नॉट पोजीशन, इसका ये वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, किसके पोजीशन वेक्टर में से किसका माइनस कर दे, हाँ एन के पोजीशन वेक्टर में से एम का पोजीशन वेक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आ गया नहीं आ गया, ये फॉर्मूला समझ आया नहीं आया, कैसे बना है वो चीज समझ आई, कि किसी भी कोई भी वेक्टर दे रखा है, ए दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और ए बी वेक्टर निकालना हो तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर क्या कर दीजिए, माइनस। ये रिजल्ट बन गया आपका। बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया, क्लियर? किसी तरह का कोई डाउट? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, समझो एक्सरसाइज होगी अगर ये चीज समझ आ गया तो, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट पे, इतनी सी बात पे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीन क्वेश्चन एग्जाम्पल चार एक्सरसाइज में, वो भी इजी है एग्जाम्पल से ज्यादा। ये समझ आ गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल फर्स्ट पहले समझेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी, कोई चार पॉइंट दे रखे हमें, नहीं पता कहां पे भी है, कहीं भी लिख दो। ए का जो पोजिशन वेक्टर है कितना दे रखा है, आवाज ना है बच्चों,
बी का पोजिशन वेक्टर कितना दे रखा है, सी का पोजिशन वेक्टर कितना दे रखा है, देखिए स्टेटमेंट, और डी का पोजिशन वेक्टर कितना दे रखा है, बी बी पे टू पे नहीं है। यस, शो दैट शो क्या करना है भाई, डी बी इज इक्वल्स टू थ्री बी माइनस ए और ए सी इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री बी, ये शो करना है, हो जाएगा, बहुत इजी प्रूफ है इसका। फर्स्ट डी बी अकॉर्डिंग टू रूल, डी बी कैसे निकलता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी, बी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर में से डी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर माइनस कर दो। अभी किया है नहीं किया, क्लियर है सभी को, कितना है बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, बी माइनस डी का कितना है, ए माइनस टू बी, बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस टू बी, थ्री बी माइनस ए, यही प्रूफ करना था DB का, देख लो। सेकंड कौन है, AC, क्या रूल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, C का पोजीशन वेक्टर कितना है, 2A प्लस 3B माइनस A का पोजीशन वेक्टर A, 2A प्लस थ्री बी माइनस ए कितना हो जाएगा, ए प्लस थ्री बी, हो गया, सिंपल। ये एक्सरसाइज सिर्फ इस चीज के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। सभी बच्चों को क्लियर ना, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, शो दैट थ्री पॉइंट्स हैविंग पोजिशन वेक्टर दिस 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 आर कोलिनियर, सुनिए कहानी क्या है, मैं मान लेता हूं ए बी सी तीन पॉइंट है जिसमें पहले का पोजीशन वेक्टर इन्होंने क्या दे रखा है, ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी, दूसरे का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस एट ए प्लस थर्टीन बी, यस और नो, ठीक है, कोलिनियर प्रूफ करने की एक ही लाइन में, अभी तो मैंने वैसे लिए इनको, प्रूफ करना है ना, ध्यान से देखो कोलिनियर के लिए, अगर मैं ये दिखा दूं ए बी वेक्टर
बीसी वेक्टर के क्या है? पैरेलल। एबी और बीसी को मैं पैरेलल दिखा दूं और बी पॉइंट इनमें क्या हो गया, तो इनको क्या होना पड़ेगा? दो लाइन अगर पैरेलल है, अगर एक भी पॉइंट उनमें क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो वो दोनों लाइन एक ही लाइन में होगी नहीं होगी? ठीक है, पैरेलल दिखाने का रूल होता है, अगर एक वेक्टर में से कुछ कॉमन आके लैम्डा, ए लैम्डा भी याद है डेफिनेशन में किया था हमने कोलिनियर वेक्टर में, कि अगर ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर के इक्वल आता है, कुछ कॉमन आके दूसरा बनता है, तो वो आपस में क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं। कोलिनियर में पैरेलल और सेम लाइन, स्पोर्ट जिनकी पैरेलल और सेम हो, लेकिन अगर दोनों में पॉइंट एक कॉमन हो जाए तो दोनों एक लाइन में आना ही आना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालिएगा। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। पोजिशन वैक्टर ऑफ बी का पोजिशन वैक्टर कितना है? माइनस का 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, ए माइनस 2b प्लस 3c माइनस का 2a 3b प्लस 2c माइनस का ए प्लस का 2b माइनस का 3c माइनस 2a माइनस ए माइनस 3a 3 और 2 5b माइनस का सी। क्लियर है? बीसी निकालिएगा, लिखेंगे साथ के साथ, सभी कोई खाली नहीं बैठा दिखे, पेन चले सभी का। बीसी कैसे निकालोगे? पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, सी का पोजिशन वेक्टर माइनस 8a 13b माइनस का 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 8a 13b प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c माइनस 8a 2a माइनस का 6a 13b माइनस 3b कितना हो गया? 10b माइनस 2a। क्या कॉमन ले लूँ इसमें से? 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या? प्लस 5b माइनस c, तो bc 2 कॉमन आके क्या बन रहा है? ab। सो दिस इंप्लाइज bc वेक्टर पैरेलल हो गया ab वेक्टर के। ठीक है, बट पॉइंट बी इज कॉमन, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? सिंपल सा था, कुछ मुश्किल नहीं। चले भाई नेक्स्ट। अब एक पैरेललोग्राम है, देखिएगा कैसे। एग्जाम्पल थर्ड देखो भाई, एक्स वाई जेड ओ पॉइंट, हो गया एक पैरेललोग्राम।
ए, लेट ए बी सी बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टेक्स ए बी सी. ये पॉइंट ए है, इसका पोजिशन वैक्टर ए. ये पॉइंट बी है, इसका पोजिशन वैक्टर बी. ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, इसका पोजिशन वैक्टर सी और डी का पोजिशन वेक्टर मैंने मान लिया स्मॉल डी. दे नहीं रखा बट फाइंड आउट करना है. इसने बोलना है फाइंड डी, डी का पोजिशन वेक्टर निकालो. ये पता ना फिगर कैसे बनी होगी? इसके चारों कॉर्नर से पॉइंट आए होंगे, जैसे 3D प्लेन है और ये पैरेललोग्राम है, यूं होगा या यूं होगा कैसे भी. इसके चारों कॉर्नर से एक एक लाइन जोड़ दो, सेंटर से, चारों कॉर्नर से. समझ गए ना? क्योंकि 3D में थोड़ा सा ना माइंड में फिगर बनाना सीखो, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत काम आने वाली ये चीजें. देखिए अब पैरेललोग्राम की क्या खास बात होती है, अपोजिट साइड पैरेलल भी बता रहे हो, लेंथ भी इक्वल बता रहे हो. आपने दो चीज काम कर दी, उनकी स्पॉट को पैरेलल कर दिया एक तरह से, आप बोले पैरेलल होती है. दूसरा आप बोले अपोजिट साइड की लेंथ भी इक्वल होती है, आपने मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर दिया. डायरेक्शन रही काम, वो मैं कर देता हूं. अगर ये तीन चीज इक्वल होगी तो मतलब दो वेक्टर क्या हो जाते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से. सो दिस इंप्लाइज अगर मैं ए से बी लू तो किसके इक्वल होगा, डी से सी के. देखो डायरेक्शन मैंने इक्वल कर दी कि ए से बी लिया और यहां पे ले लिया डी से सी. अगर आप यहां पे ए से बी लेते सी से डी लेते तो किसका साइन लगाना पड़ता, माइनस का. अब दोनों डायरेक्शन बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर है ही, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, डायरेक्शन इक्वल हमने ले ली, सेम स्पोर्ट्स पैरेलल होते क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन. ठीक है, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, सीधा सा ये दो वेक्टर, ये ए से बी की तरफ सेम, डी से सी की तरफ सेम, दिक्कत क्या है? क्लियर है? पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ डी. बी का पोजिशन वेक्टर कितना है, बी. ए का ए, सी का सी और माइनस डी. क्लियर है? डी को इधर शिफ्ट कर दो निकालना है तो, सी प्लस ए माइनस बी विच इज रिक्वायर्ड आंसर. बच्चों थोड़ा सा करते हुए थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है? कोई डाउट यहां तक? ये टुचके टुचके चार क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज में, जो अगर अभी दूं तो आप 10 मिनट में कर दोगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे नहीं लगता इसमें. रियल में है ही ऐसे, आप करने बैठोगे तो 10 मिनट में फारिग करोगे इसको करके. तो ये तो होमवर्क है 10 मिनट का. तो अब एक बार डाउट पे आ जाइए, जो फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट है. डाउट लेने के बाद एक बात बताऊंगा मैं, फिर पहले डाउट लो. बोलिए डाउट क्या है. कौन 12.1 क्वेश्चन फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, नेक्स्ट सेकंड के थर्ड पार्ट का रीजन, फोर्थ में फोर्थ का सेकंड पार्ट. कुछ कोई बात नहीं, अभी देख लूंगा स्टेटमेंट क्या है.
सेवंथ, नेक्स्ट, बस एग्जाम्पल एट्थ समझा देंगे, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? पहले एक बार डाउट ले लें एक्सरसाइज के, फिर उसके और किसी का यहां तक भव्य सिक्स्थ भी बस अब नहीं पूछता। देखो बस यहां देखिए आपस में डिस्कशन नहीं, सबसे पहले फिफ्थ रेगुलर हेक्सागन है, देखो आपको पता है रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड की लेंथ इक्वल होती है, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेगुलर क्वाड्रिलेटर की बात करूं स्क्वायर हो गया, सारे एंगल सारी साइड इक्वल, रेगुलर ट्रायंगल की बात करूं इक्विलेटरल हो गया, रेगुलर हेक्सागन की बात करें इसी तरह से एक चीज ध्यान रखना, आपने ट्रेपीजियम देखा है, रेगुलर ट्रेपीजियम ओ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तीन साइड इक्वल होगी ना, तो ये इसकी डबल होती है, ट्रेपीजियम के अंदर जब शर्त है ये पैरेलल भी हो ना, क्वाड्रिलेटर भी बनता है ये ए बाय टू, ए बाय टू ए, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका यूज करूंगा मैं, तुम आए थे जब मैं इसी के प्रूफ के बारे में सोच रहा था, जब तुम सोच रहा था क्या सोच रहे हो सर, मैं सोच रहा तुम ये करके दिखा दूं ए बाय टू कैसे आया, चलो आप सोचो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है, होता है ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो अब तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो वैसे इसमें जो एक छोटे से प्रॉपर्टी के रूप में यूज होगा वो मैं बता दूंगा, नाम क्या है, ए बी सी डी, कहां से लेना स्टार्ट करें, जहां से आपका मन करे यहीं से ले लो, ए बी सी डी ई एफ, पूरी कंसंट्रेशन होगी तभी समझ आएगा, आधा ध्यान इसमें नोट करने में होगा तो दिक्कत हो सकती है, पूरा ध्यान दे, ए बी ए डायरेक्शन साथ में, बी सी बी डायरेक्शन का पूरा ध्यान, टू अर्जेंट साइड ऑफ रेगुलर दिस दिस, फाइंड टू फाइंड में जो जो है कौन कौन, सी डी डी ई ई एफ एफ ए ई सी, क्लियर है? ये ए अपोजिट पैरेलल, ये भी ए, अगर मैं यू लूंगा तो सेम वेक्टर है, लेंथ इक्वल होगी, डायरेक्शन भी सेम, पैरेलल होंगी, रेगुलर हेक्सागन की बात करें, ये बी भी बनी नहीं है, पैरेलल होंगी रेगुलर हेक्सागन में, समझ रहे, सारी साइड की लेंथ इक्वल तो वेक्टर भी इक्वल हो जाएगा, ओके ये रह गया एक, इसके बारे में भी बात करते हैं, ये पैरेलल यार मैंने हेक्सागन की शक्ल चेंज कर दी क्या कुछ ज्यादा ही, मेरे को ये ढूंढ के लेके आना, ये ढूंढ के लेके आऊंगा तो काम चल जाएगा मेरा, इससे पहले ए भी तो आ गया ना मेरा, ए सी की बात कर लो कितना होगा ये, यू कितना होगा, हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इसके पैरेलल एफ सी इसके पैरेलल होगा भाई, ये तीनों पैरेलल है, ठीक,
अब ध्यान से देखना जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो वेक्टर है ठीक है, लेंथ सेम तीनों की, लेंथ वेक्टर अलग है, मैं फिर बात कर रहा हूं, लेंथ सेम है वेक्टर अलग है ठीक है, ये इसके पैरेलल है और इसका क्या होगा डबल, ट्रेपिजियम बन रहा है, रेगुलर है तीनों साइड इक्वल, और ये इसके पैरेलल है। हाँ तो फिर इसको टू ऑफ ए लिख दूं, किसी को दिक्कत? ठीक है, वो पैरेलल भी हो गए ना, ये भी अलग इसलिए है क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम की बात कर रहा हूं यहां पे, वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है इनका, लेंथ सेम है सबकी, इन तीनों की सेम, ट्रेपिजियम बन गया, इसके पैरेलल है ये ठीक है, डबल हो जाएगा बस। किसको? ये तो पैरेलल भी हो गए ना, ये तो पैरेलल भी है, पैरेलल लेंथ डायरेक्शन तीनों होगी तो डायरेक्ट उसका डबल वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड डबल होगा इसका, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो टू का ही तो फर्क पड़ेगा, बाकी तो सेम ही है ठीक। अब ये बताओ ये ट्रायंगल लो से कितनी आ जाएगी, इसमें लगाना ट्रायंगल लो, यू निकाल लो, एफ निकालने की कोशिश करो, ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल्स टू, हाँ वो कोई नहीं वो मैं उल्टा कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है, तो ए एफ तो एज इट इज, वो तो माइनस का साइन लगा देंगे, टू ए ए प्लस बी, ए एफ कितना आ गया बी माइनस ए, एफ ए पूछा है क्या, ए एफ पोजिशन वैक्टर से कैसे, हमारे केस में सी नहीं लेंगे ना फिक्स पॉइंट ठीक है, हम ओरिजिन से मानते हैं जो कंपैरिजन किया है उसके रिस्पेक्ट में निकल जाएगा वो तो फिर ठीक है, ये सभी के सभी पॉइंट्स यू हैं किसी ओरिजिन के फिक्स में। अब यहां से एफ की वैल्यू आ गई, एफ ए की कितनी आ जाएगी, एक तो आ गया, ये चेक कर लेना बाद में आंसर सारे, और कुछ आया, रुक जाओ, ए एफ ए से एफ ए माइनस बी आया है तो सी डी भी क्या हो जाएगा, सी डी भी आ गया, और बताओ डी डी सी डी उल्टा आएगा क्या, बी माइनस ए, अच्छा डी डी से ई माइनस ए, ई एफ ई एफ माइनस बी ए ई ए ई लगा दो, ए ई में कौन कौन सा लगेगा, हाँ ए की लगाना, ए एफ प्लस एफ ई ठीक है, ए माइनस बी प्लस बी कितना आ गया, ए ई ए आ गया, और सी ई सी ई यू किस में, अभी बात करता हूँ एक सेकेंड, सी ई हाँ कौन कौन सा कुछ और दे रखा है, ए ई कितना दे रखा है, 2b माइनस ए, हमने क्या किया, डायरेक्शन ये लिए, सर वहां पे वो एफ ए वेक्टर है, आपने ए एफ वेक्टर लिया, एफ ए वेक्टर है, यस सर, तो वहां पे ए एफ वेक्टर है, जहां हमने सॉल्व किया, फिर यार आप लेट क्यों बोले, ठीक है ये दिखाई नहीं दिया सभी ने, ए एफ ए की वैल्यू ये निकली है ए माइनस बी, और मैंने यहाँ किसकी लिख रखी है, डायरेक्शन वही ऊपर, फिर तो एक आधे में और भी लोचा मिलेगा, ए एफ तो ये निकला था ना बी माइनस ए, तो
ये भी कितना हो जाएगा? तो यहां भी कुछ चेंज आएगा, सी डी ठीक है, सी डी ओके है, डी बताना सही है सर, ई एफ एफ ए क्लियर है। अब ए ही चेंज अपने आप ही हो जाएगा, ए इसके अकॉर्डिंग देखो ना, ए ही में ए एफ लिखोगे, ए एफ क्या है, बी माइनस ए, तो ये कितना बी प्लस बी, टू बी माइनस ए। सी ऊपर वाले में लगाना कैसे लगेगा, सी ई प्लस ई डी इज इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट सेंस में सी ई, सी डी कितना है और ई डी उधर जाके B माइनस हो गए, कोई दिक्कत, बोलो भाई क्लियर है, देख लो फटाफट नेक्स्ट, किसका होमवर्क है ना, तीन साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यही तो बोला है, सोच के लेके आओ, है ये 100% वाई, हाँ डायरेक्ट रेगुलर एग्जाम है तो ये चीज होगी, कुछ होगा नहीं, नाइन्थ क्लास की थ्योरम है, नाइन्थ क्लास में से होगा ये देख लेना, उससे ऊपर जाओ तो ट्रिग्नोमेट्री टेंथ में जा सकते हो बस। थर्ड किसका डाउट है, थर्ड में क्या डाउट आया भाई, थर्ड में पूछ क्या रही है, नहीं पता लगा, प्रूफ क्या करना है, लिखने का मेथड सब बता देता हूं, बस एक मिनट रुकिएगा, माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल्स टू ए, आप ए को कोई वेक्टर मान लो, देखो ए को लिख दो ए बी, कोई दिक्कत, कोई ए बी हो गए, माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए भी एक तरह से, यानी कि वो क्या हो गया बी, कोई दिक्कत, एक माइनस और लगा दो माइनस बी ए, किसके इक्वल आ गया, ए बी की वैल्यू ऊपर से कितनी है, प्रूफ क्या है, हाँ एक्स्ट्रा पेन मिलेंगे जो चलता हो देख लो, प्रूफ है, सिंपल सी बात है, माइनस ऑफ माइनस डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब था डायरेक्शन के साथ खेल के दिखाओ, वेक्टर के आगे दो माइनस लगे हैं, ए से बी घूम गया वेक्टर, फिर बी से ए घूम गया, वापस ए से बी घूम गया, सिखाना चाहता है कि सिर्फ नेगेटिव के साइन से आपकी डायरेक्शन यूं यूं होती रहती है, दो बार माइनस आगे तो दो बार सेम पिथ पहुंच जाएंगे हम, क्या नेगेटिव, सिर्फ एक नेगेटिव यही इफेक्ट है, नेगेटिव लगा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन है बस, और तो कुछ ही नहीं है, क्या नहीं नेगेटिव लग, आवाज नहीं, नेगेटिव लगा होने का मतलब है उसकी डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट, एक यूं जा रहा है तो दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहा है, चल इंटीजर्स में नहीं चल रहे ना, नेक्स्ट सेकंड के थर्ड में क्या बताना था, होगा ही नहीं, ट्रू कैसे है, आप ये देखो ए भी दो वेक्टर है, ए यू है बी यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम ले लिया, इसने कहा है ए जो होगा प्लस माइनस बी के इक्वल होगा, इसका मतलब या तो ए और बी इक्वल होंगे या उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी होगी, बट ये केस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है, ठीक है, प्लस माइनस का मतलब तो यही हो गया, या तो यू होंगे ए की डायरेक्शन में
या ए क्यू दूसरा यू, जरूरी नहीं है एक यू भी तो हो सकता है टेढ़ा उसके साथ एंगल बना के, जिनका मैग्नीट्यूड गिवन तो सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड सेम है, उनकी लेंथ सेम है, डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, नहीं समझे। फोर्थ के सेकंड में बीडी में क्या दिक्कत आई, बस नेगेटिव वाला पैलोग्राम बना नहीं है, समझ लेना। ए बी सी डी, ए बी ए, बी सी बी ए, अच्छा सी डी कितना हो जाएगा बता, खुद सोच। नेगेटिव ऑफ ए, ए डी लेना है सी डी, डी ए निकालना है, वो तो छोट बाद में निकाले, पहले ए डी और इसमें बता, ए डी में क्या हो जाएगा बी, बस अगर डी ए लेती तो कितना हो जाता माइनस बी, निकालना क्या है बी डी, बी से डी ट्रायंगल लगा दे, ए बी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, ए बी ए है, बी डी निकालना है, ए डी बी है, तो बी माइनस ए आ गया, ये प्रूव करना होगा, सिंपल सा हो गया ना, कोई डाउट। नेक्स्ट सेवंथ, सेवंथ क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट सम ऑफ द वेक्टर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टेक्स इज जीरो वेक्टर, वेरी इजी, एक मिनट में समझ जाओगे आप। ऑक्टागन, ऑक्टागन में एक दो तीन चार यू बना लेते हैं, एक छ सात आठ, यही है रेगुलर ऑक्टागन, सारी साइड इक्वल और सेंटर, सेंटर से सारे वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, सेंटर से सारे वर्टेक्स इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ए बी सी डी ई एफ G H O, बोला क्या है क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेंटर से आउटवर्ड वर्टेक्स की तरफ सभी जो वेक्टर है उनका सम कितना होगा, मैडम को चुप कराओ, साइलेंट रखा करो यार, ठीक है फोन वगैरह, देखो ध्यान से, अब ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनती तो आपको ये पता लगता है भी, अभी तो ये और ये, ये और ये, ये और ये, ये और ये रेगुलर है, सारे वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे होंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, इसने वर्डिंग भी देखो आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से वर्टेक्स की तरफ डायरेक्शन दी हुई है उसने, इसलिए मैंने यू यू लिए, समझ रहे, इनका सम जीरो दिखाना है, किस किस का, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच, अब खुद देखो ओ ए कहाँ गया, ओ ए को क्या लिख सकते हो ओ ई, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है और क्या है पैरेलल भी है, सेम लाइन पे, इसी तरह से कौन कौन, मतलब ओ ए है नेक्स्ट स्टेप में ओ ई को लिख सकते हो माइनस ऑफ ओ ए,
माइनस ऑफ OA, ठीक है, ये OA इस OE के इक्वल लेंथ में है ही, डायरेक्शन में अपोजिट है और सेम लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स पड़ेगा, रेगुलर ऑक्टागन की बात चल रही है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह से ओबी के अपोजिट कौन, ओबी के अपोजिट कौन, ओएफ, इस ओएफ को माइनस ऑफ ओबी लिख सकते हो, ऐसे ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कोई डाउट, कैंसिल होके इनका आंसर कितना आ जाएगा, और वो भी जीरो वेक्टर, जीरो नहीं जीरो वेक्टर, क्लियर है, इसके मार्क्स कट जाएगा सीधा सीधा एक नंबर, कहां जीरो लिखना है कहां जीरो वेक्टर लिखना है, फर्क है उस चीज में, कर लोगे या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अब सिक्स्थ क्या कह रहा है, देखिए, इन अ रेगुलर हेक्सागन, देखो यार दुखी क्यों करती है, हेलो आप बोल भाई, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी बोल, क्लास में हूँ, दे देना, लेकिन कोशिश जल्दी करो अगर दे सकते हो तो, प्रॉब्लम क्या है, तो फिर अब 3:30 आगे दे दे, नहीं नहीं हो आधे घंटे में, टाइम ही 15 मिनट के बाद आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, टाइम ही 15 मिनट है, ओके ठीक, तो यहां से कितना हो गया, सिक्स्थ क्या कह रहे हैं, इन अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड होती है, बोल क्या रखा है रेगुलर हेक्सागन में, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ, ओके, ए बी, ए बी, ए सी, ए डी, ए डी, ए ई और ए एफ, इन सब का सब हुआ, किसी का, वेरी गुड, हाँ जी, और किसी का पीछे हो गए, हो गए क्वेश्चन, नॉन मेड वालों का तो होना चाहिए था, हो गया डूडी, करेगा आगे, हाँ ओहो, कैसे दिखाएंगे, सोचिए, करो कोई, मतलब सारा कुछ हमारे माइंड में एक ही चीज है, एडी पे आना है, घूम फिर के, रेगुलर हेक्सागन है, ए बी, ए बी को ईडी में ले आओ, फिर यू ए बी को लिख दिया, वेट वेट वेट, अब इसके साथ जोड़ा बनाना पड़ेगा ना, ईडी के साथ ए ही उठा के लेके आना पड़ेगा, ये वाला भी यहां ले आओ, ताकि ट्रायंगल लो लगे, तभी तो उससे अच्छा, ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, वेर इज ए सी, हाँ, जो ए सी को तो एज इट इज रखो, ए एफ जो यू है उसको सी डी, रेगुलर हेक्सागन, और एक एडी है, इसको एडी को यू ही, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये भी देख लेना, इसमें ट्रायंगल लगाओ, ईडी कहाँ गया, ईडी, ए ए ईडी, सीधा सीधा एडी, ए सी,
सी डी, सीधा सीधा ए डी, और एक ए डी कितना हो गया बताइए, ये भी क्लियर? फर्स्ट क्लियर। बंद किस लिए भाई? बंद मत कीजिए, ठीक है, अभी टाइम है, तीन पाँच, एक घंटा भी नहीं हुआ, 2:10 पे स्टार्ट हुई थी क्लास, अभी आगे करेंगे। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट विद डाउट। सेकंड एक्सरसाइज में डाउट 99% तो आएंगे ही नहीं, गारंटी है। 1% आ भी जाता है तो 5 मिनट में कल वो खत्म हो जाएगा। थर्ड पे आ जाइए, क्या सेकंड करवा दे? सेकंड करो तो मैं आगे नहीं करवाऊंगा, करो तो अच्छी तरह डेट डाल के एक्सप्लेन करके करो, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करो। करो सेकंड एक्सरसाइज, अभी स्टार्ट करो फिर। अनन्य 12 बेटा, अरे एक जना बोर्ड पे करने के लिए भी तो चाहिए, जल्दी 12 12 12। आ जा, कोई बात नहीं, अरे मैं हूँ साथ में, करेंगे करेंगे भाई, आ जाए तो मैं डंडा लेके आऊँगा उससे अच्छा, और भी आऊँगे तेरे साथ ही आऊँगे, तीन निकलेंगे। आ जा, अकेला थोड़ी ना, जल्दी आ जल्दी, फटाफट आराम से, कैमरा मत हिला दो, फर्स्ट फिगर वगैरह बनाओ उसकी, इधर इधर इस कॉर्नर में जा रहे क्या? हाँ हाँ, ग्राफ बना लो, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, बाकी तो कोई वो नहीं है, कर लाइन, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं आती तेरे को, सीधी लाइन मार दे। रेक्सिस थोड़ी छोटी बना, करो बेटा फटाफट, अभी फिनिश कर दो फिर घर जाके टेस्ट की तैयारी कर लेना आराम से। मैच भी करते रहना इससे भी मैच कर लेना, तीनों का तो मैच है, फर्स्ट में प्रूव करना है क्या? हाँ विष्णु, फर्स्ट तो हो गया, मैं समझ गया, सेकंड करके यही तो, अरे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मेरे भाई, वही तो लेके आना है ना, वो दिख जाता। आ जा आ जा, मैं बता दूंगा जहाँ दिक्कत आएगी, घबरा मत, आ जा, ऐसे थोड़ी ना होगा, आराम से देखिए, कैमरा मत हिलाइए। नोट्स तो ले आपने, आपको भी नहीं मिली ना खुशी का बुक, मैं बोलता हूँ जीतू को, क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन वन और सेकंड, एक सेकंड। हेलो जीतू, वो किसी स्टूडेंट के ये थे नोट्स एलिमेंट्स वाले, वो देखे गया था पॉइंट के नहीं? हाँ, 2 सेट तो करया था, एक 10 सेट मेरे और कर दे, बच्चों को चाहिए 10, एक और बना दे, हाँ उसी के 10 सेट बाइंड करके रेडी कर दे, ठीक है, कब तक? शाम को दे देना पक्का, ठीक है, आज ठीक है, रेडी कर दे 10, कल मिल जाएंगे 10 10 की रिक्वायरमेंट होगी। कितने जन, कितने जने हो? 2 तो आप हो, एक आप हो, ठीक है, 2 4 एक्स्ट्रा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होंगे, नहीं आदित्य का फ़ोन आया था, एक तो उसके हैं, 2 3ों के फ़ोन भी आ चुके हैं, ले जाएंगे आके। सर इसमें आंसर आना था 2a + 2b, मेरा -2a - 2b आ रहा है। ए सी पूछे सी ए पूछे? ए सी ही पूछा।
मैंने इसकी डायरेक्शन इस तरफ बना दी, कोई दिक्कत है? दिक्कत ही है, ए से पूछा है तो ए से सी की तरफ जाएगी ना। अच्छा, ए से पूछा है तो ए से सी की तरफ होगा। दो तीन, हेलो, छः कर दे दस की बजाय, एक बार काउंट किए बच्चे कम हो रहे हैं, छः कर दे। ठीक, मनीष उड्डा नो, आरजू 9:30, हितेश 10:30, आदित्य वाई, ठीक है लिखा हुआ, यादव का वाई लिखवा दिया था मैंने। बाकी आप टेस्ट लिस्ट में ना मेंशन करवा देना, यादव लिखवा लेना पूरा, क्योंकि दो आदित्य ना कंफ्यूज होती है। आकाश नहीं आया आज भी, अनन्य और कनिष्का, आज के टेस्ट में आपके रिजल्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, राहुल भी दो, आप अपने नाम के आगे गर करवा देना, ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन होती है। थोड़ा सा बड़ा आशीष दिखा, कोई नहीं करता जा। ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर लिख दिया, बी का लिख दिया, सी का लिख दिया, प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। ए बी प्लस बी सी, ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया, यार वो बी सी को देखियो थोड़ा तो ढंग से, बड़ा लिख उसको, टू और बी में ये नहीं पता हो, एक दोनों के अंदर मर्ज हो रहे हैं। आंसर मैच होने चाहिए भाई, लास्ट वाला स्टेप कहा था मैंने, अब तो चल को नहीं लिख दे। मैंने बोला था ना, फर्स्ट एक्सरसाइज के डाउट लेने के बाद एक बात बताऊंगा, फर्स्ट एक्सरसाइज से कभी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, 99.9% तो नहीं आता है, 1% बहुत पहले वाले टाइम में आया करता, पिछले 5-6 सालों की बात करें। ठीक है, पहले बता देता आप करते ही नहीं। अच्छा, ये दोनों कर दिए भाई, प्रूव करने थे, डीए डीए निकाल दिया, बीए डीए में फर्क ही नहीं लग रहा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, ठीक है, बीसी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, माइनस का साइन थोड़ा सा ऊपर लगा दे। ठीक है, करो आगे, आगे वाले तो करो फटाफट, फास्ट फास्ट। वेरीफाई कहीं कर दे, उस बोर्ड पे कर दे वेरीफाई, प्लस ही तो करना है। फोर्थ क्या पूछा है, पैलोग्राम देखो, हो गए पैलोग्राम प्रूफ, बी माइनस ए, पॉइंट्स के है, आपने साइड के पोजीशन वेक्टर ले लिए, ये गड़बड़ की। फोर्थ में देखो, पॉइंट्स के हैं, आपने साइड मान लिए बीसी, नहीं समझे बात को,
हो गया, वेरी गुड, शाबाश। बेटा जब वेरीफाई करते हैं तो अलग अलग लेके चलते हैं, आप स्टार्टिंग में इक्वली लेके चल पड़े, इसको लेफ्ट को अलग राइट को, लास्ट में ये चीज लिखते हैं, हाँ ठीक है, इक्वल लेके नहीं चलते। बस भाई अब बोलो उसने क्या दे रखा है, ए बी सी पोजिशन वेक्टर, इनके ए बी सी दे रखे है ना, इसका ए हो गया, इसका बी हो गया, उसने साइड नहीं दी, इन पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर दिए हुए। अच्छा ये डी हो गया और ये सी हो गया, दे क्या रखा है, गिवन कंडीशन क्या है, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस डी। देखो अब ध्यान से, ये दे रखा है बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए ए बी वेक्टर दे दिया, सी माइनस डी कौन सा वेक्टर दे दिया, सी माइनस डी कौन सा वेक्टर दे दिया, सी डी या डी सी, सोच के बोलो, सी माइनस डी दिया है, सी डी सी दिया उन्होंने, किसके इक्वल आ गया, दो वेक्टर इक्वल, क्या क्या कंडीशन आ गई, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन और स्पोर्ट्स क्या होंगे, पैरेलल। यानी कि अगर दो वेक्टर इक्वल, इससे एक चीज प्रूव होगी कि ए बी डी सी के पैरेलल है और ए बी का मैग्नीट्यूड डी सी के मैग्नीट्यूड के, नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक क्वाड्रिलेटर का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। एक पेयर को भी पैरेलल और इक्वल दिखा दो तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। हो गया, बताओ कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, पक्का सभी को, कोई डाउट। कल स्टार्ट करेंगे थर्ड। अब अगली एक्सरसाइज देखना, ये भी हो गया एक्सरसाइज, इससे भी कम चांस है। अगली में स्टार्टिंग में सीबीएसई लिखने आ जाएंगे, एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी सीबीएसई, अगली है भी थोड़ी लेंथी, इतनी भी नहीं लेकिन ठीक ठीक है। उसके बाद कितने हैं, 18 एग्जाम्पल है तो लेंथी है, कम से कम दो दिन लेंगे इसके एग्जाम्पल, एक दिन बेसिक के साथ देखो कितने होते हैं। चलो टेस्ट दो सभी बच्चे।